गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हेयर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी हमारा पेपर टू चल रहा है और यूनिट है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल। और ये जो हमारी यूनिट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, इसका एक टॉपिक द प्रेसिडेंट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा इसका दूसरा टॉपिक होगा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज़। एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 65 इन द सीरीज़ ऑफ द लेक्चर। ऑल्सो दिस इज अ वेबसाइट कॉल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें अगर आप UPPSC, MPPSC या BPSC के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का नंबर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वीडियो नोटिफिकेशन एंड द फ्री PDFs। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, एंड सिंस इंडिया इज़ फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग कैसी है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एंड इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो पूरे की पूरी कंट्री के फंक्शंस को, उनकी फंक्शनरीज को डील करते हैं, उसको और कंट्री को लीड करते हैं। नो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अवर कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हैं। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है हमारे प्रेसिडेंट। ऑल्दो प्रेसिडेंट को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे जो पावर्स हैं उनको इट हैज़ वेस्टेड इन हिम इन द प्रेसिडेंट, बट स्टिल अगर हम बात करें रियल पावर की या फिर रियल एग्जीक्यूटिंग पावर की, तो वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ में एक क्लॉज जुड़ा हुआ है, वो ये है दैट द प्रेसिडेंट ही ऑलवेज एक्ट्स एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके, वो हेड होते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ऑल दो पावर्स हैं, काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन उनमें से डिस्क्रिशनरी पावर्स काफ़ी कम हैं। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में ही उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है। अदरवाइज जितने भी उनके एक्शंस होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्टेड एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनके हाथ में सारी पावर होती है एंड ही विद द अदर फंक्शनरीज एक्सरसाइजेस पावर एंड फुलफिल्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं, वो अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं? ही एक्सरसाइज हिज पोजिशन एंड पावर विद द हेल्प ऑफ द अदर फंक्शनरीज ऑल्सो, जो बाकी की फंक्शनरीज जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, ये सारे लोग मिल करके उनकी हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को टू एक्सरसाइजेस पोजीशन एंड एक्सरसाइजेस पावर, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट कर सकें। नो आर्टिकल 75(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नो द आर्टिकल 75 इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पॉलिटी का आपका सब्जेक्ट, अगर आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है। इवन इन द पॉलिटी यहाँ पे 3-4 आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में बार बार बात होती है। पहले तो है आपका ही आर्टिकल 75, जो ये कहता है कि आर्टिकल 75 सेज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या फिर किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है बाय द प्रेसिडेंट, इसका भी कोई बहुत ज़्यादा एक सेट रूल डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फ्रॉम द ईयर्स ऑन ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि लोकसभा में जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, उनका जो लीडर होता है, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अ पर्सन हु इन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ पीपल। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता है जिनको प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, यानी कि जिन लोगों का नाम सजेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये लिखा है आपका आर्टिकल 75(1) में। नाउ बिसाइड्स दिस द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट हिज अपॉइंटमेंट।
और इस एक आर्टिकल के अलावा अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिर्फ एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक आर्टिकल है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ये दोनों बातें आपके आर्टिकल 75(1) में लिखी है इन रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ भी डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की बात करें या फिर एज अ सेट ट्रेडिशन की बात करें तो काफ़ी सारे एक अनसेड रूल्स से हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में बन चुके हैं. नाउ आर्टिकल 75(2) सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल रिमेन इन द ऑफिस टिल ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इट नीड्स टू बी रेड विद आर्टिकल 75(3) दैट ऑल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल. तो अब पहले तो बात आई थी कि अपॉइंटमेंट की, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं ही हैज़ टू बी अ मेम्बर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो हाउस ऑफ पीपल के मेम्बर हो या फिर वो अपर हाउस के मेम्बर हों. ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है आपका वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए अगर वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है वो मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसे पर्सन को विद इन 6 मंथ्स, जैसे कि किसी भी और मिनिस्टर के लिए भी जो रूल है, विद इन 6 मंथ्स दैट पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, यानी कि किसी भी एक हाउस का मेंबर उनको बनना पड़ेगा, या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का, विद इन 6 मंथ्स ऑफ इस अपॉइंटमेंट. यानी कि अभी जो एक सेट प्रेसिडेंस है वो क्या है हमारा, पहले तो हमारा सेट प्रेसिडेंस ये है कि प्रेसिडेंट उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ इलेक्टेड, यानी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ पीपल. लेकिन हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो लोकसभा के मेंबर ना होकर के राज्यसभा के मेंबर भी बने हैं. ठीक है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर वह दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है. और ऐसे केस में इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देन विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा. अगर 6 महीने के अंदर वो नहीं बनते हैं देन ही कैन नॉट स्टे एज द प्राइम मिनिस्टर. और किसी अलग मिनिस्टर के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई इंसान मिनिस्टर बनता है तो जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो किसी पर्सन को एक मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, अगर वो इंसान दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं है तब भी. लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा. जैसे अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो वो जो एग्जांपल आपका आता है स्मृति ईरानी का, स्मृति ईरानी तब तक हाउस लोकसभा की सीट जीत करके वो नहीं आ पाई थी, वो हार गई थी, लेकिन उनको मिनिस्टर बनाया गया था और मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने जो है राज्यसभा की सीट जो है वो जीती थी और वहाँ पर से आकर के फिर वो कैबिनेट में बनी थी विद इन 6 मंथ्स. नाउ हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल की. तो अब ये कि आर्टिकल 75(2) ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शुड आल्सो रिमेन इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर प्राप्त है प्राइम मिनिस्टर को तभी तक वो ऑफिस में रहेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो अपने सारे के सारे एक्शंस कैसे लेते हैं, एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो क्योंकि प्रेसिडेंट हर एक अपना एक्शन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही लेते हैं, उनके गाइडेंस से लेते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जब ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं दे होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जब चाहें जैसे चाहें उन्हें रिमूव कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. क्योंकि इसको वी नीड टू रीड विद दिस आर्टिकल 75(3) कि जितने भी स्टेट्स जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस ऑफ पीपल. तो सिमिलरली वही चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होती है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल. और अगर उनको कॉन्फिडेंस प्राप्त है, इफ़ ही इज़ इन्जॉइंग द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, तो उनके कंटिन्यूएशन को कोई भी थ्रेट नहीं है. हाँ, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल की हम बात करें तो या तो वो अपना जो सपोर्ट है, जो कॉन्फिडेंस है हाउस ऑफ पीपल में, इफ़ ही लूजेस दैट कॉन्फिडेंस, अगर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित होता है वो पास हो जाता है
तब जो आपकी लोकसभा है वहाँ से जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हट जाएंगे, रिज़ाइन कर देंगे अपने पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में। लेकिन अगर वो अपना कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं, मेजॉरिटी सपोर्ट है उनके पास लोकसभा में, तो ये जो एक टर्म है कि ही इंजॉयज़ द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज दिस आर्टिकल हैज़ टू बी रेड विद आर्टिकल 75(3) दैट दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? लोकसभा के लिए हैं। इसलिए अगर लोकसभा में वो मेजॉरिटी जो है वो इंजॉय करते हैं मेजॉरिटी को, तो उनकी कंटिन्यूएशन को कोई भी थ्रेट नहीं है, तो उनको हटाना पॉसिबल नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, जस्ट बिकॉज कि अगर वो उनके प्लेजर में ना हो तो। नाउ द पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि आर्टिकल 74, 75 एंड 78 डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद द प्रेसिडेंट। कि आर्टिकल 74, 75 और 78 किस बारे में बात करते हैं? बारे में बात करते हैं कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप कैसे हैं प्रेसिडेंट के साथ में। नाउ द आर्टिकल 74 सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अब ये जो आर्टिकल 74 है, ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, बिकॉज ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका काम होगा प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करना, और जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। नाउ सेकेंड जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 75(2), वो क्या कहता है? आर्टिकल 75(2) कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं दे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? दे मे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल 78 स्पेसिफाइज सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 78 जो है वो कुछ ड्यूटीज जो है प्राइम मिनिस्टर की, उन्हें स्पेसिफाई करता है विद रिलेशन टू प्रेसिडेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं, या फिर आपके जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, जो आपका लेजिस्लेशन प्रोसेस है, इन सब के बारे में, इन सब की जो जानकारी है वो प्रेसिडेंट को देना एक ऑब्लिगेशन है प्राइम मिनिस्टर के लिए अंडर द आर्टिकल 78 है, ठीक है। तो इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द प्राइम मिनिस्टर टू कन्वे द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डिसीजंस हैं उनको कन्वे करना प्रेसिडेंट के लिए नेसेसरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए अंडर द आर्टिकल 78, ठीक है। अब आर्टिकल 78 में ये भी बात लिखी है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किसी मामले में डिसीजन ले लिया है, या फिर किसी एक मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है और उसके लिए पूरी काउंसिल को कंसिडर नहीं किया गया, मतलब द मैटर द डिसीजन हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल बट द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट कैन आस्क टू द प्राइम मिनिस्टर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका कंसिडरेशन लिया जाए। तो आर्टिकल 78 जो है वो प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए एम्पावर करता है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में उनको कन्वे करना, प्रेसिडेंट को कन्वे करवाना वो कैसा काम कर रहे हैं, कौन कौन से बिल्स लाना चाहते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और सेकेंडली, अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई डिसीजन किसी मामले पे ले लिया गया है किसी मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंसिडरेशन नहीं हुआ है, उनकी चर्चा नहीं हुई है और वो रिक्वायर्ड है, तो ऐसे में जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंसिडरेशन है वो लिया जाए, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा, ही इज़ ऑलवेज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? क्या आर्टिकल 74 ये कहता है कि देयर हैज़ टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है? अब ये है कि क्या प्रेसिडेंट हमेशा ही बाउंड रहता है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के लिए? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस येस, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात की जाए तो हाँ, प्रेसिडेंट बाउंड होता है प्राइम मिनिस्टर की बात को, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानने के लिए, लेकिन एक दो जगह पे उनको डिस्क्रिशनरी पावर मिलता है। वो कौन सी जगह पे है? कि अगर उन्हें ये डिसाइड करना हो अगर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अगर कोई एक पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती है लोकसभा में और उन लोगों के बीच में कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, दैट हु शैल बी द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके किसी एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेजॉरिटी इंजॉय करता हो, कॉन्फिडेंस इंजॉय करता हो लोकसभा में, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरी आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आपका ये बन सकता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया है
कि वो डिसॉल्व कर दें उसको, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल को वो डिसॉल्व कर दें. लेकिन ऐसा वो तब कह रहे हैं जब वो अपना जो नो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो अपना कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, उसको वो लूज़ कर रहे हैं. सो अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है लोकसभा में, और दूसरी पार्टी इस पोजीशन में है कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन तब भी जो रूलिंग पार्टी है वो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर रही है कि आप सीधे सीधे लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो, तो ऐसे में भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उनकी बात को ना माने, उनकी बात को इग्नोर कर दें. तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो इस पोजीशन में है कि वो सरकार बना सकती है, और ये हमसे ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दो, फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को सरकार बनाने का मौका मत दो, तो ऐसे में भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात ना माने. और सेकेंडली ये होता है कि प्रेसिडेंट को जो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है उसकी मीटिंग भी समन करनी होती है. जो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन, प्रोरोग और डिसॉल्व दी कॉल फॉर द जॉइंट मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ही कैन समन, ही कैन प्रोरोग एंड ही कैन कॉल फॉर द जॉइंट मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो समनिंग की बात होती है टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उनके बीच में 6 मंथ का गैप उनके दो कॉन्सिक्यूटिव सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एक मैक्सिमम टाइम गैप दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में होना चाहिए वो कितना है, वो है 6 महीने का. 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए कि आपका जो पार्लियामेंट है वो सेशन में ना आया हो. एक हमारा विंटर सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, और एक हमारा बजट सेशन होता है. तो ये 3 जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में वो होते हैं, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम गैप ना हो. लेकिन अगर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस कराते हैं कि आप जो है वो सेशन कन्वीन ना कराएं क्योंकि उनका टर्म जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसे में भी जो प्रेसिडेंट है वो उनकी एडवाइस को नहीं मानने का हक रखते हैं. ठीक है, तो ऐसे मामले में भी जो प्रेसिडेंट है ही कैन टेक हिज ओन डिसीजन कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे कि वो सेशन को कंडक्ट ना कराएं, बिकॉज 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है. इसलिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें ऐसा करने कहता है कि आप जो है वो पार्लियामेंट को समन ना कराइए बिकॉज उनका जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाला है, तो ऐसे में अगर प्रेसिडेंट उनकी बात मानता है देन इट विल बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे देन ही मे स्टैंड इम्पीच्ड, यानी कि उनका इम्पीचमेंट हो सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक दो ऐसे केसेस थे जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, या फिर वो जो उनकी एड एंड एडवाइज है उनको इग्नोर करने का जो पावर है वो रखते हैं. ठीक है, नो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द की स्टोन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर का रोल देखें या फिर उनकी पोजीशन देखें एज़ कम्पेयर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज़ द प्राइम पोजीशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. ही इज़ द की स्टोन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैबिनेट. और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, जो कि कैबिनेट का साइज भी डिसाइड करते हैं. यानी कि कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का साइज भी डिसाइड करता है. नो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियोज, रीशफलिंग द कैबिनेट एंड रिक्वेस्ट एनी मिनिस्टर, यहाँ पे एनी मिनिस्टर होगा, एनी मिनिस्टर टू रिजाइन इफ हिज सर्विसेज इज नॉट रिक्वायर्ड. अब प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारी पावर होती हैं अपनी मिनिस्ट्री को और अपने कैबिनेट को फॉर्म करने में. नो द प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर है, सबसे पहले तो ये कि वहीं प्रेसिडेंट को कंसल्ट करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, तो उनकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है. अब कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये भी डिसाइड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं. और प्राइम मिनिस्टर अगर एक बार जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो मिनिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर भी देते हैं, तो उसके बाद भी जो रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज होती हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है. यानी कि पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, उनके पास पावर होती है कि वो पोर्टफोलियोज़ का रीशफलिंग कर सकते हैं. यानी कि एक मिनिस्टर को दूसरे पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बना सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर वो किसी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं अगर उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं हैं. Now he may keep one or more portfolio to himself, but that would be the concentration of power.
अब अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ की, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ऐसे केस में अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर है और वो ऐसा चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो उनके पास है ही है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती हैं इट इज़ ऑलरेडी विद हिम, बट इसके अलावा इफ़ ही विशेस कि वो होम मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अपने अंडर में रखना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है, द प्राइम मिनिस्टर कैन डू दिस। बट ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है एक ही जगह पे, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर को फिर ये देखा जाता है कि ही इज़ अमासिंग ऑल द पावर इन हिज हैंड्स, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हाथ में रखोगे देन इट विल बी मोर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इतना हेल्दी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू हैव अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेयर पोर्टफोलियोज और अलग अलग जो डेडिकेटेड मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट को, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को संभालें और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, इसलिए ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि हर एक डिपार्टमेंट एक एबल मिनिस्टर को सौंपा जाए। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू कोऑर्डिनेट द कैबिनेट एक्टिविटीज़। अब जब कैबिनेट बन जाता है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है प्राइम मिनिस्टर का कि जितनी भी कैबिनेट एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइज़र का काम नहीं करते हैं, वो एक कोऑर्डिनेटर का भी काम करते हैं। ही हैज़ टू मेक श्योर, सबसे पहले तो वो सबको उनके उनके पोर्टफोलियोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो उसको रीशफल कर सकते हैं। रीशफल करने के बाद में अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मिनिस्टर है हु मे बी इंडल्ज इन दी करप्ट प्रैक्टिसेस या फिर उसका होना उनके मिनिस्ट्री के लिए सही नहीं है तो उसका रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं। नाउ ही मे कीप वन और मोर पोर्टफोलियो टू हिमसेल्फ, जैसे कई बार ऐसा होता है अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो कोई एक दो मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं तो या तो वो किसी स्कैम में फंसे होते हैं, उनका नाम फंस जाता है, या फिर वो कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह दे देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार होता है कि जो मिनिस्ट्री होती है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से उनका रेजिग्नेशन मांग लेती है कि अब आपकी वजह से हमारी पूरी सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो इस वजह से इट इज़ बेटर दैट यू मे रिज़ाइन, या अगर वो बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो तब भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का पहले काम होता है पोर्टफोलियोज़ को बांटना, डिवाइड करना, फिर ये देखना कि हर एक मिनिस्ट्रीज़ में जो है वो ढंग से काम हो रहा है एंड देयर इज़ अ बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज़, कि वो सिर्फ एक सुपरवाइज़र का ही काम नहीं करते हैं बल्कि कोऑर्डिनेटर का भी काम करते हैं, बिकॉज जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सबका आपस में कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही कीप्स एन आई ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ईच मिनिस्ट्री एंड मे इंटरवीन इफ़ नेसेसरी, और वो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, कीप्स एन वॉच कि हर एक मिनिस्ट्री का काम कैसे चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, वेदर दे हैव बीन एबल टू मीट द टारगेट्स विच दे हैव सेट और नॉट, और अगर उनको लगता है कि उनका इंटरवेंशन नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में इंटरवीन भी करते हैं। नाउ ही हैज़ टू कोऑर्डिनेट एंड गाइड द वेरियस गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री, और इस तरीके से उनको जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है गवर्नमेंट की उनको गाइड भी करना होता है, कोऑर्डिनेट भी करना होता है। Now it is a role of the Prime Minister to ensure the collective responsibility and unity. और इसके साथ साथ जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मिनिस्टर्स की, बिकॉज ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट द मिनिस्टर्स दे नीड टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और यहाँ पे जब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ इन द सेंस ऑफ द नंबर्स नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्फिडेंस इन्जॉय कर रहे हैं, मेजॉरिटी सपोर्ट है आपके पास तभी आप कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस ऑफ देयर एक्शंस ऑल्सो, कि वो जो काम कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं उसमें भी दे नीड टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो उसको मेंटेन करना और यूनिटी मेंटेन करना अपने मिनिस्ट्री की, कि आपस में फ्रिक्शन ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में या मिनिस्टर्स के बीच में, तो इस चीज़ को इंश्योर करने का भी जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड्स द लीडरशिप इन द हाउस एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर एडवाइज प्रेसिडेंट टू समन द पार्लियामेंट, यहाँ पे समन होगा। नॉ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडरशिप हाउस में जो एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं और कैबिनेट से कंसल्टेशन करने के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करते हैं टू समन द पार्लियामेंट एंड प्रोरोग द सेशन, कि कब पार्लियामेंट को समन करना है और कब सेशन को प्रोरोग करना है ये भी कैबिनेट के साथ डिसाइड करके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं।
Now, if the Prime Minister has to resign because he loses the majority in the House, then the President may ignore his advice to dissolve the House. ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर Prime Minister को resign करना है because उन्होंने House में अपना majority जो है वो lose कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो President है वो उनकी advice अगर वो देते हैं कि आप dissolve कर दीजिए लोकसभा को, तो President उनकी advice को ignore कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि opposition party सरकार बना सकती है. तो if the President think कि जो opposition party है वो बाकी के बचे हुए term के लिए अपनी सरकार बना सकती है, तो वो लोकसभा को dissolve नहीं करेंगे और fresh elections के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जो rest of the term है वो opposition party सरकार बना करके उसको आगे बढ़ाए. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ही लूजेज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द हाउस. नो द प्राइम मिनिस्टर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल द इंपॉर्टेंट बिल्स एमिनेट फ्रॉम द कैबिनेट. अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेशन का भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं. क्यों? बिकॉज वो लेजिस्लेशन प्रोसेस जो होता है पार्लियामेंट में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, बजट हैं, वो सब कुछ कहाँ से निकलता है? वो सब कुछ आता है हमारा कैबिनेट से. तो कैबिनेट ही जितने भी इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, या मनी बिल से रिलेटेड, या जो कौन कौन से बिल्स हमें लेकर के आने हैं, कि कौन कौन से बिल्स को पास करवाना है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं लेजिस्लेशन में, ये सारी चीज़ें भी प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ हिज कैबिनेट डिसाइड करते हैं. नो इवन बींग फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी द प्राइम मिनिस्टर शुड ऑल्सो ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन. और अगर वो मेजॉरिटी पार्टी से हैं तब भी, इवन जैसे कि अभी हम प्रेजेंट का एग्जांपल लेते हैं, दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज़ हैविंग 300 प्लस सीट्स अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी हु हैज़ वन अप्रॉक्सीमेटली 60-80 सीट्स, या फिर कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो उनका सपोर्ट भी लेना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए हाउस में या फिर हाउस के एक ढंग से काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड दे ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द नेशन. तो इसलिए उन सब का मिल करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ द पैसेज ऑफ बिल्स. जब बिल्स के पैसेज की बात होती है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होता है रूलिंग पार्टी का, अगर वो ऑपोजिशन पार्टी से वो सपोर्ट नहीं गैदर कर पाता है, तो उसके लिए या फिर उसकी पार्टी के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है. बिकॉज मैनी एयर टाइम्स ये होता है, अभी हम अपने का लास्ट सेशन की बात करें, जो विंटर सेशन हम लोग का चल रहा था, तो उसमें भी कोई जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत ढंग से नहीं हो पाती थी, बिकॉज एवरी टाइम द ऑपोजिशन पार्टी दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ द रफेल डील, कि रफेल डील की वजह से वो हाउस का जो काम है वो आगे ही नहीं बढ़ने देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था. तो ऐसे में आपकी ऑपोजिशन जो है उनको अपीज करना और उनको भी साथ लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नीड्स टू सेटिस्फाई हिज रोल एज अ पार्टी लीडर. अब प्राइम मिनिस्टर का रोल सिर्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी होता है जिनके वो लीडर होते हैं. तो वहाँ पे उनका ये रोल होता है कि ये देखना कि ग्रास रूट लेवल पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो ना केवल सिर्फ जो उनकी सरकारी तौर पे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वहाँ पे, बल्कि वो सारे के सारे कार्यकर्ता जो उनके ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जो स्टेट लेवल पे, जो टाउन लेवल्स पे काम कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करना, या फिर उनके हिसाब उनको भी देखना कि उनकी क्या राय है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी पार्टी मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है. इवन इफ अ पार्टी इज़ एंजॉइंग अ मेजॉरिटी एंड दे आर रूलिंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, बट उसके अलावा भी पार्टी का जो काम है वो चलता रहता है, लोगों के बीच में सपोर्ट गैदर करना, या फिर अपनी पार्टी को उन उन जगहों पे पहुंचाना जहां पे वो पहले नहीं है, अगर वो कहीं पे अपनी सीट्स हारे हैं तो किस लिए हारे हैं, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस. तो एक पार्टी लीडर होने के नाते भी प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स इट्स पार्टी वर्कर्स. नो द प्राइम मिनिस्टर वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री. अब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है काफ़ी क्लोजली काम करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में. क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपका वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, और जो आपके बजट हैं, इम्पॉर्टेंट मनी बिल्स हैं, वो सारे के सारे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल करके उनको तैयार करते हैं या फिर बनाने में हेल्प करते हैं. सो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके काम करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड द अदर मनी बिल्स एसेट्रा and in the preparation of the budget and the various other money bills. Ho gaya ye. Now he guides the programs and the policies for the economic development of the country.
और प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इफ़ ही हैज़ अ विजन वेयर ही नीड्स टू टेक हिज कंट्री, वेयर ही नीड्स टू टेक हिज गवर्नमेंट, कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या एग्जैक्टली सोच रखा है, कि वो किस तरीके से कौन कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को लेकर के आएंगे ताकि उनकी कंट्री का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, एट दैट टाइम हमारे जो कंट्री के हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। इलिटरेसी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीज़ ये सब वाइड स्प्रेड थी, काफ़ी ज़्यादा थे। और इकोनॉमी जो थी हमारी वो ऑलरेडी हमारी इम्पेयर्ड हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दी कॉन्स्टेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश पीपल। तो हमारी कंट्री ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी या फिर अच्छे काबिल लोगों की कमी थी, क्राफ्ट्समैनशिप की कमी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन क्योंकि इतना 400 सालों तक कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कि जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जिसका जो एक आफ्टर इफेक्ट है वो हमें अभी भी झेलना पड़ता है। एंड थोड़ी सी ख़राब इकोनॉमी विच इज़ कपल्ड विद दी लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन, इट क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम। यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं हमारी इकोनॉमी में वो तो है ही हैं, बट साथ में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को देखना, इन सारे इश्यूज़ और कंसर्न्स के बारे में प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाना, इसका भी जो मेजर रोल आता है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ को गाइड करते हैं जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब अगर हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, जो कि एक हाई पावर कंसल्टेटिव बॉडी है आपकी, जो कोऑर्डिनेट करती है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को स्टेट्स के और यूनियन के। यानी कि स्टेट्स और यूनियन के बीच में जो भी एक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को होना है, किस तरीके से उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन सारी चीज़ों को देखने का काम होता है नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल का, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नो ही इज़ ऑल्सो द फेस ऑफ द नेशन इन द इंटरनेशनल डीलिंग्स। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, जैसे कि ये G20 समिट होता है या फिर हमारा आशियान समिट होता है या फिर अभी ब्रिक्स समिट होता है, तो यहाँ पे मोस्टली कौन जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज़ द फेस ऑफ द नेशन, वो हमारे नेशन को लीड करते हैं और जितने भी हमारे इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स वगैरह जो साइन करना है, तो इसमें बाकी के देशों से हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जो हमारा कनेक्शन है, वो कितना अच्छा हो सकता है या फिर क्या होगा, ये सब कुछ भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इफ़ अ प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, अगर हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एग्जाम्पल देते हैं, सो नो डाउट द कॉन्फिडेंस विच ही इनहिबिट्स इन हिमसेल्फ, और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, अपनी बात को सामने रखते हैं, एंड ही हैज़ द केपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द अदर नेशनल लीडर्स। यानी कि उनके गवर्नमेंट में आने के बाद से अ चेंज विच हैज़ बीन सीन इन द कंट्री इज़ दैट कि द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड फोरम इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, कि जो हमारी कंट्री की जो इमेज है उसमें एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्हांसमेंट हुआ है अमंग द वर्ल्ड लीडर्स। और ये भी आप भी शायद आप लोगों ने नोटिस ना की हो कि मोस्टली जो आपकी फॉरेन की जो इकोनॉमिक रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती हैं, स्पेशली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, स्पेशली जिनकी बात की जाए, तो वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं मोस्टली हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, फिलीपींस हुआ, अफ्रीका हुआ, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ये हम भले ही कितने सारे इनोवेशंस लेकर के आ जाएं, कितने सारे रेगुलेशंस रूल्स बना लें, हम लिबरलाइजेशन की बात कर लें, चाहे हम कितना भी काम क्यों ना कर लें, लेकिन हमारी रेटिंग्स ये लोग कभी इम्प्रूव नहीं करते थे। इस बात की शिकायत हमेशा डेवलपिंग नेशंस करते थे कि नो मैटर व्हाट वी डू, चाहे हम कितनी पॉलिसीज़, कितने रिफॉर्म्स हम लेकर के आ जाएं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग हमारी रेटिंग्स इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो उसके बाद जब इंडिया ने अपना चाइना के साथ मिलकर के ये जो ब्रिक्स बैंक भी बनाया था, विच वॉज कॉल्ड द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम अपने एशिया की जो है अपनी अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे, ताकि हमको एक ट्रांसपेरेंट और एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली देयर, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी रेटिंग्स होते हैं वो थोड़ा सा बायस्ड होते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर पिक्चर, व्हेन दे स्टार्टेड हैविंग कि हम अपनी अलग से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे, तो तुरंत ही जो फिच की रेटिंग थी उसने इंडिया को जो है वो सी नेगेटिव से शायद बी पॉजिटिव दे दिया था, कि एक लेवल उसने तुरंत ही ऊपर कर दिया था कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया की रेटिंग ऊपर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि जो इकोनॉमिक एजेंसीज भी तो होती हैं, दे नॉट ऑलवेज गिव यू द ट्रू पिक्चर, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे आए,
जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स लगाए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, जो आज भी होते हैं। दोहा राउंड का फेल होना बार बार हमने सुना होगा, न्यूज़ में हमेशा फेल होना सुना होता है। उसका रीज़न भी यही होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर वो काफ़ी हैवी टैरिफ्स लगा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे मार्केट को नुकसान होगा एसेट्रा एसेट्रा, वो खैर सब आप लोग इकोनॉमी में पढ़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर इंटरनेशनल डीलिंग्स की हम बात करें, तो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इफ़ योर प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज इंटरनेशनल डीलिंग्स, तो वो बाकी नेशन से जो रिलेशन हैं उनको बेटर करने में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकते हैं, एंड विच वी हैव सीन। मिसेज इंदिरा गांधी की बात करें या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, ए बी वाजपेयी ही इज़ ऑल्सो अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल इन दीज केसेस। तो ये दो तीन जो चेहरे ऐसे थे वो अपनी वजह से या फिर अपनी पॉलिसीज़ अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बाकी नेशनल लीडर से काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना ले गए थे। नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस केम इन टू बींग ऑन 15 अगस्त 1947। अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए, उन्हें एड करने के लिए, और ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन विद द प्रोसीजर्स ऑफ द बिजनेस रूल्स एसेट्रा एसेट्रा इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ द पीएमओ इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी टू द पीएम, के जो पीएमओ के हेड होते हैं वो हमारे होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी होते हैं, एंड द फंक्शन ऑफ द पीएमओ इज टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल द फंक्शंस एंड टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। कि जैसे जो फंक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी पीएमओ का, वो होता है प्राइम मिनिस्टर को उनके सारे फंक्शंस पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने में उनकी हेल्प करना। इट आल्सो वर्क्स टू डील विद द पब्लिक रिलेशन साइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का जो पब्लिक रिलेशन साइड होता है उसको भी मेंटेन करने का काम पीएमओ का होता है। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब हम द नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए हमारी दो तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 75 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम पहले पढ़ चुके हैं। नो द मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये तीन चीज़ें हैं आर्टिकल 75 में 1, 2, 3 करके। नो द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब साइज एग्जैक्टली कैसा होगा या फिर कॉम्पोजिशन कैसा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये एग्जैक्टली डिटरमाइन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नाउ द मिनिस्टर मे बी रिमूव्ड इफ ही हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस और हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्योर। तो अगर अब हम बात करते हैं कि मिनिस्टर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, व्हाट आर द कॉजेज या व्हाट आर द रीजंस ऑफ हिज रिमूवल, कि अगर एक पर्सन जो है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट हो चुका है लेकिन इफ़ ही लूजेज द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा या फिर वो किसी मैल एडमिनिस्ट्रेशन में पाए जाते हैं, किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज पाए जा सकते हैं, तब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि उस मिनिस्टर को हटा दिया जाए या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। तो इस तरीके से जो मिनिस्टर है उनका रिमूवल हो सकता है। नाउ द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर्स दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो फॉर्मेशन है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इट इज़ कम्प्लीटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होता है, इट इज़ हिज डिस्क्रिशनरी पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन ये लिखी है कि जो मिनिस्टर होता है ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और अभी जैसे हम लोगों ने पिछला एग्जांपल लिया था कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है लेकिन अगर वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स उसको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर भी ऐसा नहीं हो पाता है तो वो पर्सन मिनिस्टर नहीं रह जाएगा। नाउ द प्राइम मिनिस्टर में अपॉइंट एनी पर्सन मिनिस्टर बट ही नीड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने के अंदर अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है तो उसे बनना पड़ेगा इफ ही विशेज टू कंटिन्यू एज द मिनिस्टर। नाउ द साइज ऑफ द काउंसिल में डिफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बट इट इज जनरली रिमेन बिटवीन 40 to 45 मिनिस्टर्स विद अप्रॉक्सीमेटली 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो पहले तो होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बेसिकली आपके प्राइम मिनिस्टर जितने मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वहाँ पे आपका बनता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आपके वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
जो पोर्टफोलियोज हैं उनको होल्ड करते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसमें मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हर मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हर मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो एक्चुअली एक तरीके से एक स्मॉल सेक्शन है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगर नंबर्स की बात की जाए तो वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो पहले की मिनिस्ट्रीज थी तो मिनिस्टर्स जो थे वो कम थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री में ये अलायंस गवर्नमेंट का बनना जो है वो शुरू हुआ, तो इन ऑर्डर टू अपीज ऑल द अलायंसेस, जितने भी अलायंस पार्टीज होती थी उन सबको अपीज करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ के लोगों को मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करने लगे, यानी कि जो मिनिस्टर्स थे उनके जो नंबर्स थे वो इंक्रीज़ होने लगे। लेकिन फिर किसी भी केस में कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके नंबर्स 40-45 के बीच में रहने चाहिए, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं आपके वो 16 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। इट हैज़ टू बी मैक्सिमम 16, होते जनरली उससे लेस ही हैं। अब अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उसका जो पिरामिड है वो कुछ ऐसा बनता है कि सबसे पहले आपका हेड है विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं जो लगभग 8-10 या 8-16 आपके मिनिस्टर्स होंगे। इट इज़ अ स्मॉलर कैबिनेट। और अगर इफेक्टिव फंक्शनिंग की बात करें कि इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड, तो कैबिनेट जितना छोटा होगा उतना ढंग से फंक्शन करेगा। इसलिए कैबिनेट को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। इसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के नंबर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। फिर आते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स, और फिर आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मिलकर के आपके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स, और फिर हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। नाउ रोल ऑफ द कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट का क्या रोल होता है, तो कैबिनेट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत सारे केसेस में इंपॉर्टेंट होता है एज द पॉलिसी मेकर। तो अगर एज अ पॉलिसी मेकर आप बात करें तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन सबको बनाने का जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ हिज कैबिनेट लेते हैं। यानी कि हमारी अगली पॉलिसीज क्या होंगी, हम किन किन चीज़ों को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। अगर जैसे इस वक्त इंडिया का जो एक गोल है, जो हमारे इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना, जिसमें से कई सारे जो गोल्स हैं उसको इंडिया 2025 तक ही अचीव करना चाहता है, तो इन ऑर्डर टू अचीव दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको जो टाइम है वो 2030 रखा गया है, बट इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑफ द गोल्स बिफोर दैट टाइम उनको एक प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको बनाने का काम भी हमारे मोस्टली कैबिनेट का होता है। दे आर द मेजर पॉलिसी मेकर। फिर एज लेजिस्लेटिव बॉडी, एज लेजिस्लेटिव बॉडी इसलिए कि कौन कौन सा बिल्स बनाना है, क्या लेजिस्लेशन लेकर के आना है, किस तरीके से बजट बनाना है, ये क्या काम करना है, तो ये सारा जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड काम होता है, जितने भी बजट है, मनी बिल्स हैं, दे ऑल एमिनेट फ्रॉम दी कैबिनेट। फिर आता है एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो एज एन एडवाइजरी बॉडी टू हूम, टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को क्या हमको एडवाइस करना है उसके लिए भी हमारा कैबिनेट का रोल होता है। फिर होता है एज एन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करने का काम भी कैबिनेट का होता है। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, कि जिस तरीके से सारे के सारे काम को करने के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो भी हमारा कैबिनेट है। फिर फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज के बीच में भी कोऑर्डिनेटर करने का काम है, और क्राइसिस मैनेजर का काम कैबिनेट तब करता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। सो दे आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज विच आर मैंशनड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ़ अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी अकर इन अवर कंट्री, तो उस टाइम पे वो पावर्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट की नहीं होती है, एक्चुअल में वो पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के पास में ही होती हैं। सो ऐसे टाइम पर एज अ क्राइसिस मैनेजर भी आपका कैबिनेट काम करता है। नाउ वी कम टू द कैबिनेट कमिटीज़। तो कैबिनेट कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो कैबिनेट हैं उसके वर्कलोड को कम करने के लिए उनको हर तरीके से गाइड और एडवाइस करने के लिए कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। अब कैबिनेट कमिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं आपकी स्टैंडिंग कैबिनेट कमिटीज़ और दूसरी होती हैं आपकी एडहॉक। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, एडहॉक का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू रेज हुआ है तो उससे रिलेटेड एक एडहॉक कमेटी बना दी गई फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर सपोज 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी गई तो बनाई जाती है। अब स्टैंडिंग कमिटीज़ वो होती हैं विच आर रिलेटिवली ऑफ अ परमानेंट नेचर, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो गई, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी हो गई, और आपकी अपॉइंटमेंट्स कमेटी हो गई, पॉलिसी इनिशिएटिव्स कमेटी हो गई, सॉरी एक और कमेटी आपकी
इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, हाँ ये अगर आपकी कमिटीज हो गई तो ये आपकी होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ में बेसिकली रिलेटिवली आपकी परमानेंट नेचर की होती हैं और इनको जो है टाइम टू टाइम नहीं बनाया जाता है बल्कि एक ही बार बनाया जाता है फॉर द पीरियड जब तक आपकी सरकार जो है वो रूल कर रही है। अब ये जो कमिटीज़ होती हैं मिनिस्ट्री को उनके टास्क लोड से भी थोड़ा सा रिलीव करती हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ फोरम फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ये कैबिनेट कमिटीज़ काम करती हैं। अब जब नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं कमिटी में तो वो 3 से 8 के बीच में होते हैं, और अगर किसी भी कमिटी का मेंबर प्राइम मिनिस्टर है तो उसका चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, ठीक है। तो ये है हमारी कैबिनेट कमिटीज़। कुछ हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो है आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, फिर है आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो सबके अपॉइंटमेंट्स देखती हैं, और फिर आपकी कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं जिनके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अगर किसी भी मेंबर में प्राइम मिनिस्टर एज अ मेंबर होंगे किसी भी कमेटी में तो वही उसको चेयर करेंगे, वहीं उसके हेड होंगे। अदरवाइज इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी आपकी है, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर एज अ मेंबर होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो हेड होते हैं वो आपके होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अभी अगर बेसिकली अगर आप लोग न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर रहे होंगे तो काफ़ी सारी कमिटीज़ के बारे में बताया जा रहा था, और ये भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट कमेटी में अमित शाह जो हैं वो मेंबर रखे गए हैं, एंड अमित शाह हैज़ बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है आपका होम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ वगैरह भी होती है उन पर भी आप लोग नज़र रखा करिए। एंड विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस टॉपिक। थैंक यू।